तो दोस्तों आज का गेम प्ले बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि आज हम लोग 6 लेजेंड्स का एलिमिनेशन चैम्बर में मैच करवाएंगे। जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो किस मैच में रहेंगे स्टिंग, अंडरटेकर, गोल्डबर्ग, रॉक, बटिस्टा और केन, और इस मैच में मैं गोल्डबर्ग हूँ। तो चलिए मैच लगाते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों मैच शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने डिफिकल्टी सबसे टफ कर दी है, इसलिए आज ये मैच मेरे लिए जीतना बहुत ही मुश्किल होगा। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा और देखिए क्या रिजल्ट निकलता है। तो चलिए सबसे पहले मैं और स्टिंग का आमना सामना हुआ है। चलिए रिवर्स किया मैंने और एक एक करके बाकी सब रेसलर भी बाहर आएंगे। वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट्स बता सकते हो कि आपको अगला मैच कौन सा देखना है, क्योंकि मैं आपके ही कमेंट्स पढ़कर आगे के मैच खेलता हूँ। या फिर आप ये भी बता सकते हो कि मुझे कोई दूसरा गेम खेलना हो। तो चलिए जैक हैमर दे देता हूँ। स्टिंग और गोल्डबर्ग दोनों ही WCW के बहुत ही मशहूर रेसलर रह चुके हैं, और गोल्डबर्ग तो गोल्डबर्ग के कई फैंस होंगे। तो अगर आप भी गोल्डबर्ग के फैन हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे बाकियों के निकलने से पहले जल्दी से जल्दी स्टिंग को एलिमिनेट करना होगा। चलिए सेकंड जैक हमर में देना चाह रहा हूँ, बस रिवर्स ना करें स्टिंग। किसी का निकलने का टाइम हो गया, पिन करवा के देखता हूँ। टू और किक आउट कर दिया स्टिंग ने। कौन बाहर आ रहा है देखता हूँ, कौन बाहर आएगा। द बिग रेड मॉन्स्टर केन बाहर आए और केन पूरा जोश में अंदर घुस चुके हैं। गिरा दिया मैंने। ओह स्टिंग ने रिवर्स करके मुझे पकड़ लिया। केन और स्टिंग दोनों ही मास्क वाले रेसलर हैं। केन को मैंने जैक हैमर के लिए उठा लिया। स्टिंग की एनर्जी कम है दोस्तों, आपको जैसे किसी की एनर्जी देखना है तो आप नीचे देख सकते हो, उनके नाम के साथ उनका एनर्जी भी दिख रहा होगा आपको। ग्रीन मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी, येलो मतलब मीडियम और रेड मतलब सबसे कम। और ये गेम है WWE 2K20। तो आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि भाई कौन सा गेम है और मैं कहाँ खेलता हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं लैपटॉप में खेलता हूँ। स्टिंग ने रिवर्स कर दिया। दोस्तों आपको मैच पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, और आप बीच में ही कमेंट करके बता दीजिए कि मैं जीतूंगा या नहीं, क्योंकि 6-6 लोग हैं यहाँ पे, इसलिए जीतना थोड़ा मुश्किल है इन लोगों से। रॉक बाहर आ गया। रॉक और गोल्डबर्ग की दुश्मनी तो बहुत पुरानी रह चुकी है। अगर आप WWE को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा। केन ने रिवर्स कर दिया। अब केन और स्टिंग मिल के मार रहे हैं मुझे। वो केन चॉक स्लैम दे रहा है। केन ने चॉक स्लैम दे दिया मुझे। अब पिन करवाएगा वो। चलिए देखते हैं शुरू में मैं एलिमिनेट ना हो जाऊँ। चलिए वन में ही किक आउट कर दिया। केन तो यार बहुत पीट रहा है। चलिए रिवर्स किया मैंने, फिर केन ने भी रिवर्स कर दिया। मैंने रिवर्स किया। स्टिंग की तरफ ध्यान देता हूँ क्योंकि स्टिंग की एनर्जी सबसे कम है, वो पहले एलिमिनेट हो सकते हैं। चलिए जैक हमारा अगर इस बार सक्सेसफुल रहा तो स्टिंग एलिमिनेट हो जाएंगे। और रिवर्स कर दिया स्टिंग ने। बस ये अपना फिनिशर ना दे दे। दोस्तों कमेंट में आप मुझे बताइए कि स्टिंग के फिनिशर का क्या नाम है।
देखता हूँ कि आप में से कितने लोगों को ये नाम पता है। वही तो फिलहाल मैं पिट रहा हूँ, पर मैच जीतने से मतलब है। दोस्तों अगर आपको फेवरेट सुपरस्टार नहीं जीतता है तो गुस्सा मत होइए, ये सिर्फ एक गेम है। अंडरटेकर ने आते के साथ टूम स्टोन देने की कोशिश की पर मैंने रिवर्स कर दिया। सुपर शोडाउन तो आपने देखा ही होगा कि अंडरटेकर जीत गया था सुपर शोडाउन में। मैच फैंस को कुछ खास पसंद नहीं आया था क्योंकि गोल्डबर्ग इंजर्ड हो गए थे, तो उसके बाद से मैच फिर अच्छे से कंटिन्यू भी नहीं हो पाया। अंडरटेकर और गोल्डबर्ग का मैच और भी अच्छा हो सकता था अगर गोल्डबर्ग इंजर्ड नहीं होते। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, एक बार और इन लोगों का मैच होना चाहिए या नहीं? अरे अंडरटेकर ने अभी इतना स्टार्ट किया मुझे। मेरी एनर्जी आप देख सकते हैं कि एकदम ख़त्म हो चुकी है और अभी भी एक रेस्लर बचा है जो अभी तक बाहर नहीं आया, बटिस्टा। अंडरटेकर को मैं स्पीयर देता हूँ, पिन करवा के देखता हूँ। 1 2 किक आउट कर दिया। चलिए स्टिंग को मैं एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ। बटिस्टा भी बाहर आ गए और लगता है वो मेरी तरफ आ रहे हैं। मैंने स्टिंग को पकड़ लिया और किसकी एनर्जी कम है। चलिए मैं स्टिंग ही की तरफ जाता हूँ और स्टिंग को एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये सक्सेसफुल रहा जैक हैमर तब स्टिंग एलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए अब लग रहा है कि एलिमिनेट होंगे। स्टिंग पिन कॉल करवा रहा हूँ मैं। 1 2 3 और आपने अनाउंसमेंट आप सुन ही रहे होंगे कि स्टिंग एलिमिनेट हो चुके हैं। स्टिंग बाहर चले गए। आप केन ने उनका ध्यान मेरी तरफ कर दिया। ओह भाई को मारा तो दूसरा भाई आ रहा है बदला लेने। अच्छा नहीं आपस ही में लड़ रहे हैं, चलो सही है, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। क्या कर रहे हैं? अंडरटेकर मेरी तरफ आ रहा है, अब मैं फंस जाऊंगा। अंडरटेकर ने चॉक स्लैम दे दिया। अगर उन्होंने पिन करवाया तो मैं गया। अब देखते हैं, बचना मुश्किल है। चलिए बहुत मुश्किल से किक आउट किया मैंने, रिवर्स किया मैंने। ओ अब बटिस्टा ने पकड़ लिया, एक छोड़ रहा है तो दूसरा पकड़ ले रहा है। रॉक केन को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अंडरटेकर और बटिस्टा मिल के मार रहे हैं मुझे। केन एलिमिनेट हो गया। अंडरटेकर उसको मार रहे हैं और रॉक मुझे मार रहा है। दोस्तों आपको याद है अंडरटेकर और बटिस्टा का कौन से रेसलमेनिया मैच हुआ था वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप के लिए? मैंने स्पीयर दिया था पर गलती से लगता बटिस्टा को लग गया। रॉक ने रिंग से बाहर फेंक दिया मुझे। मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो अगला एलिमिनेशन मेरा होगा। चलिए देखता हूँ। रॉक को जाके मर देता हूँ। रॉक का एनर्जी बहुत है, वो एलिमिनेट नहीं होगा। अंडरटेकर एलिमिनेट हो गए। अब बस मैं, गोल्डबर्ग, रॉक और बटिस्टा बचे हैं। रॉक ने टू काउंट में, रॉक का टू ही काउंट हुआ। बटिस्टा और रॉक दोनों ही की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरे लिए जीतना बहुत मुश्किल है। चलिए कुछ अलग करते हैं।
बटिस्टा के लिए। अच्छा ही ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। बटिस्टा ने बटिस्टा बम दे दिया। अब रॉक एलिमिनेट हो सकते हैं। पिन करवा रहे हैं। वन टू रॉक इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। मुझे ही डोमिनेट करना होगा दोनों को एक एक करके। दोस्तों आप अगला मैच मेरे लिए सोचिए और मुझे कमेंट करके बताइए। रॉक उड़ गया था अचानक से। चलिए इसे स्पीयर दूँ रॉक को दूंगा तो मजा आएगा। स्पीयर मैंने ठीक दिया था। बटिस्टा मेरे पीछे। चलिए देखते हैं क्या होता है। हाँ रिवर्स कर दिया मैंने। रॉक आ रहे हैं बाहर। ओ तेरी जी रॉक ने रिवर्स कर दिया। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। चलो ठीक है। मैं एक भी किसी का फिनिशर खा गया ना तो मैं एलिमिनेट हो जाऊंगा। इसलिए मुझे बहुत संभल के खेलना होगा। हम दोनों को साथ में पटका और इस चीज़ का फ़ायदा उठाना होगा। इसे एलिमिनेट करें। रॉक की एनर्जी कम है। जैक हैमर अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो मैं जीत जाऊंगा। चलिए पिनफॉल करवा रहा हूँ। चेक करता हूँ क्या होता है। वन टू थ्री। अब बस मैं और बटिस्टा बच गए। ये डू और डाई सिचुएशन है। या तो मैं जीतूँ या तो मैं हार जाऊँगा। वो अभी पता चलेगा क्या होगा। चलिए रिंग के बाहर चलते हैं। अरे इसने मुझे फेंक दिया। बटिस्टा वर्सेस गोल्डबर्ग। बटिस्टा ने अगर एक भी फिनिशर दिया मुझे तो मैं एलिमिनेट। सारी मेहनत बर्बाद। ओ स्पीयर दे दिया बटिस्टा ने। अब पिन भी करवा रहा हूँ। बहुत मुश्किल से बचा हूँ मैं। बहुत देर से मार लिया बटिस्टा ने। अब मेरी बारी है। चलिए बस कुछ ही टाइम का बात है। बस मुझे संभाल के खेलना होगा। बटिस्टा ने एक बार भी रिवर्स किया तो गेम ओवर। अब स्पीयर उसके बाद जैक हैमर। बस दोनों चीज़ सक्सेसफुल होना चाहिए तभी मैं जीत सकता हूँ। चलिए स्पीयर सक्सेसफुल था। अब जैक हैमर। जैक हैमर क्या लगता है दोस्तों? मुझे भी डर लग रहा है। देखता हूँ सक्सेसफुल होता है या नहीं। सक्सेसफुल रहा। अब पिन करवा रहा हूँ। वन टू थ्री। हाँ वाह जीत गया मैं। विनर इज गोल्डबर्ग। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।